हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज मैं मेथी की कचौड़ियाँ बनाने जा रही हूँ, जिसकी रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये मैंने आटा लिया है और ये मैंने ऑयल लिया है, ये भरुआ मसाला लिया है मैंने जो करेले वगैरह में भरा जाता है, ये मैंने नमक लिया है, ये मैंने काली मिर्च ली है और ये मेथी मैंने हरी बिन के साफ करके और काट के मिक्सी से पीस ली है। अब मैं इसमें ऑयल डाल रही हूँ, ऑयल डाल के मैं मिलाऊंगी इसको, अभी कम है और डाल रही हूँ। जब इसका लड्डू बन के रेडी हो जाएगा तब मैं समझूंगी कि आयल ठीक है। इसको मैश कर लिया हमने और ये देख लिया है कि ये परफेक्ट हो गया है। अब इसमें मैं भरवा मसाले का पाउडर यूज कर रही हूँ 1/4, काली मिर्च 1/4 और नमक 1/4। और मैं अब मेथी यूज कर रही हूँ, मेथी उसी हिसाब से डालूंगी आटे में जितना कि मुझे पानी की जरूरत ना पड़े, अभी और पड़ेगा। इसको मैं बिल्कुल मुलायम नहीं सानूंगी, इसको थोड़ा कड़ा कड़ा सानूंगी, अभी और पड़ेगा, जिससे कि खरी खरी बनेंगी। मेथी जाड़ों में ही आती है, मेथी का आप मैं कचौड़ी बना रही हूँ, आप परेठा भी बना सकती हैं, मेथी की पूड़ी भी बना सकती हैं नाश्ते में, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके बच्चे क्या खाएंगे और आप लोग क्या पसंद करते हैं। अब इसको मैं 5 मिनट के लिए रख दूंगी। ये आटा हो गया है, इसको थोड़ा सा और करके मैं इसकी छोटी छोटी लोइयां बना लेती हूँ। बना के मैं अब बेलती हूँ। ये देखिए मेरी पप्पा एकदम खस्ता और मेथी की कचौड़ी बनके रेडी हो रही है, और इस क्रिस्पी करने के लिए इसको धीमी धीमी आंच में बनाते हैं। ये देखिए आप इसको टोमेटो सॉस के साथ खाएं, चाहे चाय के साथ खाएं और चाहे दही के साथ खाएं। ये देखिए और डाल लेंगे, ये बिल्कुल धीमी आंच में बनाई जाती तभी ये खस्ता बन पाएंगी। ये देखिए मेरी खस्ता कचौड़ी बनके रेडी हो गई है। आप दही के साथ खाइए, चाहे चाय के साथ खाइए, चाहे टमाटर के साथ खाइए, और आप चाहे लंच में आप बनाइए, चाहे आप
डिनर में बनाइए चाहे स्नैक्स की तरह खाइए, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कैसा अच्छा लगता है। और ये आप देखिए, इतनी आवाज से आपको लग रहा होगा कितनी क्रिस्पी बनी हुई है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।